Bollywood. Natasha ke saath is saal shaadi par exclusively on Zoom. Varun ne kiya react. कौन सी बीटाउन ब्यूटी कर रही है जी तोड़ कोशिश टू एक्ट ऑपोजिट सलमान? कंगना की फिल्म को खराब रिस्पॉन्स मिलने पर कौन है सबसे ज्यादा खुश? आलिया को अब नहीं है प्रॉब्लम सिड के साथ नाम लिंक किए जाने पर। चाहे एक नामी बीटाउन एक्ट्रेस करे डेस्परेट अटेम्प्ट टू बैक सलमान फिल्म, या फिर दीपिका का हो जाए एक और फैशन डिजास्टर एट एन इंटरनेशनल इवेंट। बीटाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगे आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। वरुण धवन और उनकी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल की शादी की खबरें आर डूइंग द राउंड्स, पर क्या इन रूमर्स में है कोई सच्चाई? वेल, लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। देखिए वरुण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद जूम, जिसमें उन्होंने अपनी शादी को लेकर की है बात। I'm not getting married, not anytime soon. Varun Dhawan ne unki marriage ko lekar ban rahi news par clear kiya stand. I'm not getting married, not anytime soon. Varun Dhawan aur Natasha Dalal ki shaadi par ban rahi news ko Planet Bollywood par exclusively Varun ne kiya deny. This whole thing has been going about me getting married. I'm not getting married. Not anytime soon. Well, Varun Dhawan और उनकी childhood heartthrob Natasha Dalal की शादी की news कुछ दिनों से media में छाई हुई है, जिसको हवा मिली recently जब Varun और Natasha hand in hand Shahid Kapoor की birthday bash में जाते हुए दिखे। यही नहीं, कुछ दिनों पहले वरुण ने फिल्म प्रमोट करते हुए एक डेली से कहा कि वो शादी में बिलीव करते हैं, और वहीं से ये rumors शुरू हो गई कि वरुण इस साल शादी कर लेंगे। अब वरुण ने प्लैनेट बॉलीवुड के थ्रू अपना स्टैंड क्लियर किया है और सबको बता दिया है कि शादी इन जनरल और उनकी शादी को लेकर वरुण के क्या प्लान्स हैं। Let me just clear this since we are on your show that this whole thing has been going about me getting married, I'm not getting married, not anytime soon. It's just a personal thing that sure. When I do decide, what I meant was that I believe in the institution and one day in life I would like to, but that doesn't mean मैं कल या परसों या अगले साल कर। वरुण ने अपनी लव लाइफ पर कमेंट करने से इनकार कर दिया, मगर कम से कम ये क्लियर किया कि वो इस साल या जल्द ही शादी नहीं करने वाले हैं। वैसे अगर वरुण और आलिया एक दूसरे के लिए दुल्हा दुल्हन ढूंढेंगे तो क्या क्वालिटीज देखेंगे, जरा इस पर भी गौर फरमाइए। नमस्कार, हम हैं वरुण धवन। हम ढूंढ रहे हैं ऐसी दुल्हनिया को जो वर्कआउट करे, वाटरमेलन खाए और रात को सो जाए, क्योंकि हम WWF देखेंगे। गुड नाइट। लॉयल, ऑनेस्ट और एक ऐसा इंसान जो बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्रेम करे। फॉर श्रद्धा सिंह, जूम मुंबई। करीना सैफ के बेटे को मिला है एक नया नाम। वेल, होल्ड ऑन, उसका ऑफिशियल नाम अब भी तैमूर है, पर करीना ने दिया है अपने बेटे को एक न्यू निकनेम। करीना अब किस नाम से बुलाती है लिटिल तैमूर को? लेट्स फाइंड आउट। करीना ने अपने बेबी को दिया निकनेम। करीना नहीं बुलाती अपने बेबी को तैमूर के नाम से। वेल, क्या कह के बुलाती है करीना अपने न्यूली बॉर्न बेबी को, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो रिपोर्टेडली करीना ने अपने क्यूट लिटिल सन का रखा है न्यू नेम। करीना अपने बेबी को लिटिल जॉन कहती हैं। अब जैसे कि सब जानते हैं कि कपूर फैमिली में निकनेम रखने का ट्रेंड काफी पुराना है। करीना, करिश्मा से लेकर ऋषि कपूर तक सभी का कोई न कोई निकनेम है। करीना भी जहां अपने निकनेम बेबो से ज्यादा पॉपुलर हैं, वहीं उनकी सिस्टर करिश्मा भी अपने निकनेम लोलो से जानी जाती हैं। यानी करीना हो या करिश्मा या बेबो और लोलो कह लो, सबका निकनेम लाइमलाइट में रहा है। और अब तो इस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर यानी बेबी तैमूर अली खान को भी उनका निकनेम मिल गया है। सोर्सेस का कहना है कि करीना के सर्कल में सभी लोग उनके बेबी को लिटिल जॉन ही कहते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कपूर फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह क्या करीना सैफ का बेबी तैमूर भी अपने निकनेम लिटिल जॉन से पॉपुलर होता है, या बार बार हो रही तैमूर के नाम को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में ही फंसा रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।
आखिर बॉलीवुड के सुल्तान सलमान के साथ कौन काम नहीं करना चाहता। एक मशहूर बी टाउन एक्ट्रेस भी कर रही है डेस्परेट कोशिश टू बैक सलमान फिल्म। कौन है ये टॉप एक्ट्रेस? वील टेल यू। फिर चढ़ा जैकलिन पर सलमान का हैंगओवर। सलमान के साथ दोबारा काम करने के लिए जैकलिन हुई डेस्परेट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, जैकलिन करना चाहती हैं सलमान के साथ किक टू में काम, जिसके लिए वो डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला को कन्विंस करने की कर रही हैं पूरी कोशिश। जहाँ किक टू में ऑफ कोर्स सलमान फिलहाल हैं, वहीं फिल्म की लीडिंग लेडी का नाम तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। यानी किक में सलमान के साथ काम करने वाली जैकी मैडम किक टू में होंगी या नहीं, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। ऐसे में जैकलिन नहीं चाहती कि उनके हाथ से निकले किक टू का ऑफर। जाहिर है सलमान की किक से ही जैकी को बॉलीवुड में सक्सेस मिली थी, क्योंकि किक से पहले और बाद में आई जैकलिन की कोई फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब अपने करियर को फिर से किक स्टार्ट देने के लिए जैकलिन को चाहिए सलमान का साथ, जो कि उन्हें मिल सकता है डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला की मेहरबानी से, क्योंकि सलमान तो फिलहाल जैकलिन को सेकंड चांस देने के मूड में नहीं है। वेल, देखना ये है कि क्या साजिद नडियाडवाला जैकलिन से दूसरी बार कन्विंस हो पाते हैं या नहीं। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। अनदर इंटरनेशनल इवेंट, अनदर फैशन गूफ अप। लगता है दीपिका को अब आदत सी हो गई है, पर फैंस कांट टेक इट एनी मोर। कैसे ऑस्कर्स जैसे प्रेस्टीजियस इवेंट में हुआ दीपिका का एक और फैशन गूफ अप, लेट्स टेक अ लुक। दीपिका पादुकोण की ऑस्कर प्री पार्टी ड्रेस इज अ हिट, बट इन एन ओल्ड आउटफिट। दीपिका की ग्लैम ब्लैक एंड गोल्ड ड्रेस को उन्होंने 2012 के बाद कर दिया है रिपीट। टू प्ले इट सेफ, क्या दीपिका ने किया वो ड्रेस चूज विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड ऑलरेडी? वेल, दीपिका की ड्रेस को लेकर लग रहे हैं बड़े एलिगेशंस, बट वी लीव इट ऑन यू टू डिसाइड कि क्या इनकी ड्रेस में है सिमिलैरिटीज। ये है दीपिका की ऑस्कर प्री पार्टी ड्रेस, वेयर शी प्ले इट सेफ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड गोल्ड। और ये है दीपिका की ड्रेस, दैट इज ब्लैक ट्यूब टॉप एंड गोल्डन स्कर्ट, विच शी वोर इन एन अवार्ड सेरेमनी इन 2012 अगेन विद ऑलमोस्ट सेम ग्रेस। अब इन दोनों ड्रेसेस की सिमिलैरिटी को देख के श्योरली कई लोग कह रहे हैं दैट शी माइट हैव मिस्ड इट, बट उनके स्टाइलिस्ट को ध्यान रखना चाहिए था, सो डेफिनेटली अ टाइम टू फायर हर। वैसे दीपिका ने ऑस्कर अवार्ड्स की दूसरी प्री पार्टी में भी शोरली इम्प्रेस किया इन अ फ्लोरल आउटफिट, वेयर शी पार्टीड अलोंग विद प्रियंका चोपड़ा। मगर एक बात जिसने सबको हैरान कर दिया वो है दीपिका का मेन इवेंट से मिसिंग होना। जब दीपिका ने दोनों पार्टीज अटेंड की तो वो मेन एक्शन से क्यों गायब रही, कहना मुश्किल है। और शायद इसीलिए दीपिका ने इंडिया से फ्लाई करते वक्त नहीं कहा दैट शी इज गोइंग फॉर ऑस्कर्स नाइट। नो, आई कांट, आई डोंट थिंक आई कैन रियली say at this point what I'm going for, but yes, I am traveling, that's for sure. Bureau report, Zoom, Mumbai. B-Town queen Kangana Ranaut doesn't have time for director Anand L. Rai. Tanu Vets Manu ke director ke phone calls tak answer nahi karti hai ab Kangana. Kya success ke baad Kangana ab dikha rahi hai tevar? Planet Bollywood. क्या कंगना दिखा रही हैं डायरेक्टर आनंद एल राय को तेवर? जिन आनंद एल राय ने कंगना को तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी बड़ी हिट्स दी, उन्हीं डायरेक्टर के लिए कंगना के पास क्यों नहीं है टाइम? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, डायरेक्टर आनंद एल राय ने अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए किया कंगना को अप्रोच, लेकिन कंगना ने आनंद एल राय के ऑफर को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनके पास नहीं है टाइम। यानी जिन डायरेक्टर ने कंगना को सुपरहिट फिल्म्स दी उन्हीं के लिए कंगना मैडम के पास टाइम ही नहीं है। वैसे आपको बता दें कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के दौरान आनंद एल राय और कंगना के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आई थी, यहाँ तक कि फिल्म के लिए मिली फीस से भी कंगना सेटिस्फाइड नहीं थी। ऐसे में हो सकता है कि तब की प्रॉब्लम्स आज भी बरकरार हो।
लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या कंगना का डायरेक्टर आनंद एल राय के ऑफर को रिफ्यूज करना सही डिसीजन है। आफ्टर ऑल आनंद एल राय ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार भी काम कर रहे हैं और जिनकी फिल्म्स में कई बड़े स्टार्स काम करना चाहते हैं। यहाँ तक कि कंगना को उनके करियर की बेस्ट फिल्म्स भी आनंद एल राय ने ही दी है। अब ऐसे डायरेक्टर के ऑफर को रिजेक्ट करना श्योरली फायदे का सौदा नहीं हो सकता। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। आलिया भट्ट को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इन बीइंग लिंक्ड अप विद सिड। जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आलिया ने किया कन्फेस कि शी डजंट माइंड बीइंग टीज्ड विद सिद्धार्थ नेम। आलिया को सिद्धार्थ के नाम से टीज किए जाने से नहीं है कोई प्रॉब्लम। आलिया इस बात का जरा भी माइंड नहीं करती हैं कि कोई उन्हें सिद्धार्थ के नाम से परेशान कर रहा है। आलिया तो बस सिद्धार्थ के साथ अपने रिलेशनशिप पर फोकस करेंगी। उनके साथ हर जगह पार्टीज में दिखी और रिसेंटली भी सिड के साथ उनकी पजामा पार्टी करते हुए शॉट हमने आपको दिखाए थे। Well, लेकिन जब आलिया वरुण के साथ अपनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग कर रही थी तब ऐसी खबरें आई थी कि वरुण आलिया को उनके रूमर्ड लव सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम लेकर बहुत टीज करते हैं और जिस वजह से अपेरेंटली आलिया सेट पर रोई थी। मगर जब आलिया से इस बात को कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यानी आलिया ओपनली मान रही हैं कि सिड के नाम से टीज किया जाना नॉर्मल है और अब आलिया को फर्क नहीं पड़ता कि कोई सिड का नाम लेकर उनका मजाक बना रहा है। वैसे इससे पहले करण के शो पर जब सिड का नाम लिया जाने पर वरुण ने आलिया की तरफ देखकर इशारों में ही उनके और सिड के रिलेशनशिप में होने का हिंट दिया, तब भी आलिया ने नॉर्मल रिएक्ट किया था। लगता है अब आलिया डजंट केयर कि कोई उनके और सिद्धार्थ के बारे में क्या बोलता है और शायद इसीलिए अपने और सिड के रिलेशनशिप को लेकर वो इतनी कूल और ओपन नजर आ रही है। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम मुंबई। Which B-Town actor attacked Kangana on Twitter? Find out after the short break. Planet Bollywood. High on success, Kangana लगातार कर रही थी अपने exes को target. पर लगता है रंगून के failure ने अब दे दिया है उनके exes को मौका. किसने किया Kangana पे एक vicious attack on Twitter? Let's take a look. Planet Bollywood. कंगना के एक्स अध्ययन सुमन के डैड ने किया कंगना को टारगेट। कंगना की लेटेस्ट फिल्म रंगून के फेलियर पर शेखर सुमन ने किया शॉकिंग ट्वीट। शेखर सुमन ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा, वन कोकेन एक्ट्रेस वाज कैरिंग द बर्डन ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंट स्टारडम, शी हैज फॉलन फ्लैट ऑन हर फेस एंड हाउ, गेस दिस इज पोएटिक जस्टिस। जाहिर है कि यहाँ शेखर ने किसी एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ट्वीट किसके लिए है ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ऋतिक के साथ हुए कंगना के लीगल बैटल के दौरान भी कंगना के एक्स और शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना पर सब्सटेंस अब्यूज का गंभीर आरोप लगाया था और कंगना के एडिक्शन के बारे में पब्लिकली स्टेटमेंट्स दी थी। और अब शेखर सुमन ने भी कुछ ऐसा ही किया है क्योंकि उन्होंने भी एक एक्ट्रेस को सब्सटेंस अब्यूज्ड बताया है और ये किस एक्ट्रेस के लिए कहा गया ये क्लियर है।
रंगून के फेलियर को लगता है शेखर सुमन ने बहुत पर्सनली ले लिया है, तभी तो उन्होंने एक बार फिर से कंगना और सुमन फैमिली के बीच हुए बैटल को हवा दे दी है। और हो सकता है कि कंगना इस हवा को तूफान में बदल दे, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि कंगना बोल्ड स्टेटमेंट्स देने से कभी पीछे नहीं होती। ऐसे में वो शेखर सुमन के शॉकिंग ट्वीट पर कैसे रिप्लाई करती हैं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपर फास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। सो जेट सेट गो। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की न्यूज को प्लैनेट बॉलीवुड पर एक्सक्लूसिवली वरुण ने किया डिनाय। दिस होल थिंग हैज बीन गोइंग ऑन अबाउट मी गेटिंग मैरिड। आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, नॉट एनी टाइम सून। वेल, वरुण धवन और उनकी चाइल्डहुड हार्टथ्रॉब नताशा दलाल की शादी की न्यूज कुछ दिनों से मीडिया में छाई हुई है, जिसको हवा मिली रिसेंटली जब वरुण और नताशा हैंड इन हैंड शाहिद कपूर की बर्थडे बैश में जाते हुए दिखे। लेकिन अब वरुण ने कर दिया इसे क्लियर। जैकलिन को करना है सलमान के साथ दोबारा किक टू में काम, जिसके लिए जैकी कर रहे हैं डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला को कन्विंस करने की कोशिश। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जहां सलमान किक टू के लिए फाइनल है, वहीं अभी फिल्म की लीडिंग लेडी फाइनल नहीं हुई है। ऐसे में जैकलिन किक टू के ऑफर को किसी भी तरह से हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि सलमान के साथ दोबारा काम करना जैकलिन के करियर को आगे बढ़ा सकता है। कंगना के पास नहीं है डायरेक्टर आनंद एल राय के लिए टाइम। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आनंद एल राय, जिन्होंने कंगना को उनके करियर की दो बड़ी हिट्स तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स दी, उन्हीं आनंद एल राय ने जब कंगना को अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए अप्रोच किया तो कंगना ने कह दिया कि उनके पास टाइम नहीं है। आपको बता दें, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के वक्त कंगना और आनंद के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आई थी। करीना कपूर खान ने अपने बेबी तैमूर को दिया निकनेम। सोर्सेस का कहना है कि करीना के सर्कल में सभी लोग उनके बेबी को लिटिल जॉन ही कहते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि कपूर फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह क्या करीना सैफ का बेबी तैमूर भी अपने निकनेम लिटिल जॉन से पॉपुलर होता है, या बार बार हो रही तैमूर के नाम को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में ही फंसा रह जाता है। आलिया को सिद्धार्थ के नाम से टीज किए जाने से नहीं है कोई प्रॉब्लम। आलिया इस बात से जरा भी माइंड नहीं करती हैं कि कोई उन्हें सिद्धार्थ के नाम से परेशान कर रहा है। आलिया और सिद्धार्थ को कई बार साथ में स्पॉट किया जा चुका है, हालांकि अभी तक इन दोनों ही यंग एक्टर्स ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है। ऑस्कर्स आफ्टर पार्टी इवेंट पर दीपिका नजर आई अपने 5 ईयर पुराने लुक में। दीपिका लुक्ड स्टनिंग एज शी ग्लिटर्ड ऑन द रेड कार्पेट। लेकिन 2012 में हुए एक ब्यूटी अवार्ड्स में भी दीपिका सिमिलर लुक में नजर आ चुकी हैं, जिसके बाद लगता है कि दीपिका की स्टाइलिस्ट को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। वरुण धवन को क्यों लग रहा है सोशल मीडिया से डर? क्या सैफ कुछ टाइम बाद अपने बेटे तैमूर के नाम को करेंगे चेंज? ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.